पति को हुआ ट्यूशन टीचर से जानलेवा इश्क, बेटे को बांधी राखी, पापा के साथ हुई हमबिस्तर, बीवी की मोहब्बत के सामने घुटने टेकती पति की आशिकी, अंधेरी रात में उसकी लाश को प्लास्टिक की बोरी में बंद कर सुनसान इलाके में फेंक दिया जाता है। कई दिनों तक यूं ही पड़े रहने के बाद जब 16 मार्च की रोज पुलिस पहली बार बोरी में बंद लाश को बाहर निकालती है तो लाश से आती तेज गंध किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। डेड बॉडी के आसपास और यहाँ तक कि मौका वारदात से मिले साक्ष्य पुलिस को और भी ज्यादा उलझन में डाल देते हैं। पुलिस बकायदा शिनाख्त के लिए सूबे के बड़े अखबारों से लेकर कई जगह गुमशुदा लाश की पहचान के लिए इश्तेहार डालती है, लेकिन फिर भी कानून के हाथ खाली रहते हैं और हैरान परेशान पुलिस किसी तरह एक बार फिर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से इस केस की शुरुआत हुई थी। तो आखिर कौन है वो जिसकी मिस्ट्री राजस्थान से लेकर दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बनी? प्लास्टिक की बोरे में बंद लाश ने ऐसी उलझन पैदा की कि जिसे सुलझाते सुलझाते पुलिस ने रिश्तों के बीच पनप रहे फरेबी इश्क की डोर को कुछ ऐसे खोला कि पूरा केस किसी रेशम की धागे की तरह खुलता चला गया। नाम प्रियंका खत्री, उम्र 29 साल, पेशा टीचर। इसी हंसते हुए चेहरे के साथ प्रियंका को आज से लगभग 7 साल पहले दिल्ली की कपड़ा व्यापारी यानी 39 साल के कपिल गुप्ता के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी मिली, लेकिन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते प्रियंका कपिल को अक्सर तिरछी निगाहों से देखा करती। कपिल का अदा रुपया पैसा और उसकी लग्जरी लाइफ देख प्रियंका उसकी दुनिया की ओर आकर्षित होने लगी। वो रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तो आती लेकिन कपिल को रिझाने और उससे गुफ्तगू करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। पहले से शादीशुदा कपिल को भी प्रियंका की यही अदाएं भाने लगी। वो भी नाना करते करते प्रियंका की खूबसूरती की पिंजरे में कैद होता चला गया, जिसके बाद कपिल प्रियंका के प्यार में ऐसा अंधा हुआ कि हर चढ़ते सूरज के साथ उसकी बीवी का प्यार ओझल होता चला गया। प्रियंका भी रईस कपिल को पाकर खुश थी, लेकिन दोनों के बेनाम प्यार की आंधी में एक रुकावट थी और वो थी 38 साल की सुनैना, यानी कपिल की लीगली मैरिड वाइफ। सुनैना एक बोल्ड और बेहद ही दिलकश हाउसवाइफ थी। वो पति कपिल की हर एक जरूरत का ध्यान बखूबी रखना जानती थी। खुद कपिल भी कई बार प्रियंका के साथ बिताए प्राइवेट मोमेंट में इस बात का जिक्र अपनी जुबान से निकाल चुका था। बस इसी एक बात ने प्रियंका के जहन में अपनी मोहब्बत को खोने का डर बैठा दिया। वो किसी सौतन की तरह हर कीमत पर सुनैना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चुकती थी और इसी कड़ी में उसने अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए महंगी दवाइयों से लेकर इंजेक्शन तक लिया करती। हैरानी की बात ये कि इस पूरे शौक का खर्च खुद सुनैना का पति कपिल उठाता था। कपिल ने 7 सालों में लगभग अपनी माशुका की सुंदरता बरकरार रखने के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर डाले। इधर कपिल अपनी मोहब्बत की हर एक अग्नि परीक्षा में सफल होता जा रहा था, तो ही प्रियंका उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक कदम फूक फूक कर रख रही थी। दोनों के गुपचुप चलते इश्क को किसी की नजर ना लगे, इसलिए प्रियंका सुनैना और कपिल के बेटे को राखी तक बांधती थी। जब जब प्रियंका के घरवाले उसके लिए शादी के लायक कोई लड़का ढूंढते तो हर बार कपिल को अपना बॉयफ्रेंड बना लड़के से बात करवा देती और रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाता। एक बार तो परिवार की शादी के तानों से तंग आकर प्रियंका ने जहर तक खा लिया था। वो किसी भी कीमत पर बस कपिल की होना चाहती थी और इसी जिद में इस लड़की ने कपिल की बीवी सुनैना को जान से मारने तक का प्लान बना डाला। प्रियंका ने कपिल से ये तक कह डाला कि वो अब छुप छुप कर मिलने मिलाने के सिलसिले से तंग आ चुकी है और इसलिए अब सुनैना को मारना होगा, जिसके बाद वो दोनों शादी कर आराम से विदेश जा सकेंगे। लेकिन इस कहानी में मेन ट्विस्ट तो तब आया जब कपिल ने प्रियंका की सभी बातों को एक सिरे से नकार कर आनाकानी करने लगा। यहाँ तक कि उसने प्रियंका के साथ सात फेरे लेने से भी साफ इनकार कर दिया। कपिल की एक ना से प्रियंका को धोखे का एहसास हुआ और उसने इस बेवफाई की कीमत कपिल से 50 लाख रुपए मांगकर अदा करने को कही। इधर प्रियंका की ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ तो उधर एक बार फिर कपिल को अपनी धर्मपत्नी यानी कि सुनैना की याद आई। प्रियंका से डरकर कपिल ने 7 सालों की सारी कहानी सुनैना को बताई और बस फिर पासा पूरी तरह पलट गया। अब कपिल की बीवी सुनैना ने पूरा खेल पलटा और प्रियंका को रास्ते से हटाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया। कपिल और सुनैना ने प्रियंका को जान से मारने के लिए अपने दोनों नौकरों को भी राजी कर लिया।
प्लान के मुताबिक 14 मार्च की रोज कपिल ने प्रियंका को नौकर के साथ कुछ रुपए निकलवाने के लिए कार से बैंक भेजा। बैंक से निकलकर वो सीधे कपिल की कार में बैठ गई। कार में दोनों नौकर भी थे। कुछ देर बाद गाड़ी सुनसान जगह पहुंची, जहां अचानक कार में सुनैना आकर बैठ गई और तीनों ने मिलकर प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात ये कि जब प्रियंका का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब कार में भजन चला दिया गया ताकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर ना आ सके। ट्यूशन टीचर की मौत के बाद कपिल अपने नौकर के साथ इसकी लाश को बोरे में डालकर अलवर के ततरपुर इलाके में फेंक आया। दो दिन बाद जब हत्या वाली जगह से कोसों दूर राजस्थान पुलिस को इसकी लाश मिली, तो आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज देखते ही पुलिस का शक दिल्ली के इस कार पर आ गया, जिसके बाद नंबर प्लेट के आधार पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी गई और एक एक कर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।